के कनॉट प्लेस स्थित रिवोली सिनेमा में मीना कुमारी और स्वर्गीय कमाल अमरोही की अस्मरणीय सुपरहिट फिल्म पाकीजा ने सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने का इतिहास रचा था रिवोली सिनेमा में। यह फिल्म इस थिएटर पर लगातार 42 सप्ताह तक कामयाबी के साथ चली थी। राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने वाली शक्ति सामंत की फिल्म आराधना ने भी यहाँ सिल्वर जुबली मनाई थी। यश चोपड़ा ने जब पूनम ढिल्लो जैसी नई तारिका को लेकर बहुत ही कम बजट की फिल्म नूरी बनाई तो उसने भी यहाँ सिल्वर जुबली मनाई। इसी तरह रजनीकांत और अमिताभ बच्चन को लेकर बनी निर्माता ए पूर्ण चंद्र राव की फिल्म अंधा कानून ने और उसके बाद हरमेश मल्होत्रा की कम बजट में बनी बी क्लास फिल्म नगीना ने भी थिएटर पर भारी भीड़ के साथ शतक जमाया। मणिरत्नम की हिंदी सिनेमा के क्षितिज तक पहुंचाने वाली फिल्म रोजा जब पहले शो में चली तो थिएटर की काफ़ी कुर्सियां खाली थी, लेकिन बाद में जब इस फिल्म ने भी यहां लगातार 10 सप्ताह से भी ज़्यादा समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। इन बातों को आज भी थिएटर के संचालक शाम सानी याद करते हैं। उन्होंने बताया, कभी दिल्ली में धनाढ्य तबके का सिनेमा ही माना जाता था रिवोली, लेकिन उस समय और आज के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। 1940 के आसपास हमारे परिवार वालों ने इस थिएटर को कनॉट प्लेस की रचना करने वाले नंबर वन आर्किटेक्ट वे बिल्डर सर बहादुर शोभा सिंह से लीज पर लिया। उस समय यहाँ सिर्फ अंग्रेजी मसाला फिल्मों को ही लगाया जाता था। रिवोली सिनेमा में सबसे पहली फिल्म हॉलीवुड फिल्म फ्रेंच विदाउट टीयर्स को लगाया गया था। 10-12 साल तक हॉलीवुड में बनी फिल्मों की ही यहाँ ज़्यादा डिमांड रही। कनॉट प्लेस के बीचों बीच बने इस थिएटर की साज सज्जा का सानी बंधुओं ने खास ध्यान रखा। सानी बताते हैं कि दिल्ली में सबसे पहले स्टीरियो साउंड टेक्निक की शुरुआत की गई थी। ऑडिटोरियम और सिनेमा में परिसर कलात्मक और नक्काशी का व पेंटिंग का क्रेडिट वे सिनेमा से जुड़े पंडित निरंजन शर्मा को देते हैं। हालांकि इन दिनों हाल के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। खुद सानी साहब को ये नहीं याद कि पिछली बार यहाँ हाउसफुल का बोर्ड कब लगा था, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि रिवोली के दिन कभी ना कभी तो फिरेंगे ही। रिवोली सिनेमा की जो लोकेशन है कनॉट प्लेस में गांधी आश्रम के पास, सीटों की कैपेसिटी कुल 455, बालकनी 163, रियर स्टॉल 196, जनता क्लास 96, पार्किंग 80 कारों की पार्किंग व्यवस्था, प्रोजेक्टर RCA फोटोकॉन के 3 प्रोजेक्टर, साउंड स्टीरियो सिस्टम स्पीकर, एयर कंडीशनर, सेंट्रली प्लान एयर कूलिंग, रेस्टोरा, 2 बालकनी व मेन हॉल के दर्शकों के लिए 1-1, जन सुविधाएं 4 बालकनी, 2 वो मेन हॉल, 2। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली फिल्म पाकीजा 42 सप्ताह। सबसे पहली फिल्म जो सिनेमा हॉल पे लगी थी वो हॉलीवुड की फिल्म फ्रेंच विदाउट टीयर्स थी।